कल हमने घटना समष्टि को परिभाषित किया था एवं यह देखा था कि एक असंतत प्रतिदर्श समष्टि के लिए घटना समष्टि उसका अथवा एक असंतत प्रतिदर्श समष्टि का घात समुच्चय उसका घटना समष्टि होगा। अब पूर्णता के लिए हम घटना समष्टि को एक बार फिर से परिभाषित करते हैं और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने कहा था, किसी भी यादृच्छिक परीक्षण की समस्त घटनाओं का समुच्चय घटना समष्टि कहलाता है। एक असंतत प्रतिदर्श समष्टि से जनित घटना समष्टि उस प्रतिदर्श समष्टि का घात होगा। घात समुच्चय यह धारणा संतत प्रतिदर्श समष्टि आगे बढ़ाना संभव नहीं है और एकल समुच्चयों सिंगलटन सेट्स के लिए प्रायिकता परिभाषित नहीं की जा सकती। फलस्वरूप एक प्रतिदर्श समष्टि का घटना समष्टि परिभाषित करने के लिए हम एक समुच्चय B को करेंगे जहां बी निम्न निम्न प्रतिबंधों का पालन करता है। एक एस बी का एक अव्यय है, अर्थात
प्रतिदर्श समष्टि घटना समष्टि है दो यदि ई घटना समष्टि का एक अवयव है तथापि तब ई का पूरक भी उस घटना समष्टि का एक अवयव होगा। इसे मैं लिख देता हूं, यदि ई घटना समष्टि है तथापि ई पूरक भी घटना समष्टि का एक होगा। तथा तीन, यदि घटनाएं E1, EN तक घटना समष्टि के अवयव हैं तथापि इन सब का सम्मिलन भी घटना समष्टि का एक अवयव होगा। अब हमने प्रायिकता को समझने के लिए निम्न सिद्धांतों को समझ लिया है। एक, यादृच्छिक परीक्षण, यादृच्छिक परीक्षण। दो, यादृच्छिक परीक्षण के फलस्वरूप जनित प्रतिदर्श समष्टि। तीन, प्रतिदर्श समष्टि के फलस्वरूप जनित घटना समष्टि। अब हम प्रायिकता के परिमाण को परिभाषित कर सकते हैं अथवा इन्हें आधार लेकर हम प्रायिकता परिमाण को परिभाषित करते हैं। प्रायिकता परिमाण अथवा प्रोबेबिलिटी मेजर, यह एक समुच्चय फलक सेट फंक्शन है जिसका प्रांत अथवा डोमेन घटना समष्टि है एवं सहप्रांत को डोमेन यह एक समुच्चय फलक सेट फंक्शन है जिसका प्रांत घटना समष्टि है एवं सहप्रांत शून्य से बीच के एक का अंतराल है। अर्थात यह एक ऐसा फलक है जिसे एक घटना
जो कि समुच्चय रूप में है या देने पर हमें शून्य से एक के बीच उस घटना की प्रायिकता ज्ञात हो जाती है। यह एक ऐसा फलक है, अर्थात इस फलक को अगर हम एक समुच्चय, एक घटना देंगे जो कि एक समुच्चय के रूप में है, तब इस फलक को वह घटना देने पर यह फलक हमें एक प्रायिकता परिमाण देगा, एक प्रायिकता का माप देगा जो कि शून्य से एक के बीच होगा, और वह उस घटना की प्रायिकता होगी। प्रायिकता परिमाण निम्न प्रतिबंधों का पालन करता है। प्रायिकता परिमाण निम्न प्रतिबंधों का पालन करता है। एक, शून्य यहाँ यह बताना आवश्यक है कि किसी घटना ई का हम किसी घटना ई का प्रायिकता परिमाण द्वारा हम किसी घटना ई का प्रायिकता परिमाण पी आर ई द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब प्रतिबंधों पर लौटते हुए, पहला प्रतिबंध है शून्य पी आर ई से कम है जो कि एक से कम है, अर्थात किसी भी घटना की प्रायिकता शून्य से एक के बीच होगी। दो, अर्थात परिणाम के प्रतिदर्श समष्टि का अवयव होने की एक होगी। यहाँ हमारे लिए यह दोबारा बताना आवश्यक है, किसी भी घटना की प्रायिकता का अर्थ है यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम का उस घटना द्वारा प्रदर्शित समुच्चय का
यह हमारे लिए समझना आवश्यक है कि जब हम किसी भी घटना की प्रायिकता की बात करते हैं, तब उस घटना की प्रायिकता का अर्थ है, हम उस घटना की प्रायिकता से हमारा अर्थ होता है कि हम इस बात की प्रायिकता जानना चाहते हैं कि जो उस यादृच्छिक परीक्षण का परिणाम होगा, क्या वह उस घटना का अवयव होगा। तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि किसी भी घटना की प्रायिकता का अर्थ है यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम का उस घटना का अवयव होने की प्रायिकता। एवं प्रायिकता परिमाण पर तीसरा प्रतिबंध है, यदि E1 एवं E2, E1 एवं E2 तथा E1 और E2 का परिच्छेदन एक रिक्त समुच्चय है, तब प्रायिकता E1 सम्मिलन E2 बराबर होगा प्रायिकता E1 जमा प्रायिकता E2। अर्थात यदि E1 और E2 का प्रतिच्छेदन एक रिक्त है, तब E1 और E2 के सम्मिलन की प्रायिकता E1 और E2 की प्रायिकताओं के जोड़ के बराबर होगी। इन प्रतिबंधों के आधार पर हम देख सकते हैं कि यदि हम परिभाषित करें करें E1 एवं E2 तब दो का प्रतिच्छेदन एक रिक्त समुच्चय है एवं अर्थात अर्थात एक रिक्त समुच्चय की प्रायिकता शून्य है। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने पहले कहा था, रिक्त समुच्चय एक घटना समष्टि संदर्भ में
रिक्त समुच्चय, एक असंभव घटना को दर्शाता है। अर्थात एक रिक्त समुच्चय एक असंभव घटना को दर्शाता है। अब इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ प्रस्ताव लिखेंगे, किंतु उससे पहले एक परिभाषा और देनी आवश्यक है। एक प्रतिदर्श समष्टि S घटना समष्टि B एवं प्रायिकता परिमाण का त्रय प्रायिकता समष्टि अथवा प्रोबेबिलिटी स्पेस कहलाता है। हमने सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि को परिभाषित किया, उसके बाद उस पर उसे आधार लेकर हमने एक घटना समष्टि को परिभाषित किया, एवं इन दोनों को आधार लेकर हमने एक समुच्चय फलक के रूप में प्रायिकता परिमाण को परिभाषित किया। हमने किसी भी यादृच्छिक परीक्षण की प्रायिकताएं दिखाने के लिए यह त्रय आवश्यक है, एवं इस त्रय को प्रायिकता समष्टि अथवा प्रोबेबिलिटी स्पेस कहा जाता है। अब प्रायिकता समष्टि की परिभाषा के बाद अब हम कुछ प्रस्ताव दे सकते हैं। अब हम निम्न प्रस्ताव दे सकते हैं। पहला, हम जानते हैं किंतु S बराबर है E सम्मिलन E पूरक, अर्थात क्योंकि E और E पूरक का प्रतिच्छेदन एक रिक्त समष्टि है, अर्थात यह पहला प्रस्ताव था। अर्थात ई पूरक की प्रायिकता एक में से ई की प्रायिकता घटाने पर प्राप्त होगी। दूसरा प्रस्ताव, यदि ई एफ का उपसमुच्चय है तब एफ बराबर है, यह सरल है, ई सम्मिलन ई पूरक प्रतिच्छेदन एफ। वितरण के नियम लगाते हुए हम देखते हैं ई प्रतिच्छेदन एफ
सम्मिलन। अब क्योंकि ई एफ का उपसमुच्चय है तो ई और एफ का प्रतिच्छेदन ई ही होगा, सम्मिलन। एवं अर्थात अब क्योंकि यह एक घटना है, अब क्योंकि अर्थात यदि ई एफ का उपसमुच्चय है तथापि यह अंत में अर्थात ई सम्मिलन एफ की प्रायिकता बराबर है ई की प्रायिकता जमा एफ की प्रायिकता घटा ई और एफ के प्रतिच्छेदन की प्रायिकता। यह सरल है, इसे ही आगे बढ़ाकर हम परिमाण पा सकते हैं। ई दो सम्मिलन ई एन एक ई दो एन घटा ई एक ई दो ई तीन आगे बढ़ते हुए जमा आगे बढ़ते हुए इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि
अब अंततः यदि किसी परीक्षण में सभी परिणामों की एक समान है तब एवं किसी भी घटना E के लिए बराबर है E में कुल परिणामों की यह है। और इसी के साथ हम इस व्याख्यान का अंत करते हैं।